अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं अपनी गाड़ी का रिव्यू बनाने आया हूँ। अभी मैं आपको पूरी गाड़ी का रिव्यू बताता हूँ, वॉक अराउंड दिखाता हूँ। तो जी चोई साहब, ये जो रिम आपने लगाए तो आफ्टर मार्केट है? हाँ, ये आफ्टर मार्केट। टायर भी आफ्टर मार्केट है? टायर भी आफ्टर मार्केट है। इसके जो असल सब कुछ है ना, वो मैंने घर में रखा हुआ है। शॉक्स, स्प्रिंग वगैरह, जो पीछे स्प्रिंग आता है, बैक स्प्रिंग। बाकी ये रिम डीप डिश है, नाम मुझे नहीं इतना पता, लेकिन 14 इंच में लगाया। पहले मैंने 13 इंच में XXR लगाया था, लेकिन उसका उस समय रोला ये था, रिम छोटा था और 13 में प्रोफाइल नहीं आती। तो ये आपने कितने का लगवाया था, क्या आपको क्या रेट पड़ा ये आपको? मुझे पड़ा था टायर सीमेंट रिम और टायर सीमेंट 120 का, 1,20,000 रुपये। सही हो गया। और ये लाइटें वही हैं या? लाइटें वही हैं, इसके ऊपर बस मैंने टेंट वो करवाया हुआ है। स्मोक पेपर आता है वो चलाया हुआ है, उसके ऊपर येलो पेपर चलाया हुआ, जो सर्दियों में आप लोग अपने हेडलाइट के ऊपर चलाते हो वो चलाया हुआ है। ऑरेंज पेपर मुझे मिलता नहीं है, दोस्त यार पिंडी में जाओ सुल्तान डी को, वहाँ से मिल जाता है। और ये नीचे ये जो स्मोक लाइट्स, ये जो है फॉग लाइट्स, फॉग लाइट्स, हाँ ये फॉग लाइट। मैंने ये बम्पर असल में मैंने कन्वर्ट करवाया हुआ है डाउन मॉडल में। ये समय डाउन मॉडल का बम्पर है, वैसे ये है 2010 मॉडल, इसमें दूसरा वाला बम्पर आता है विदाउट फॉग लैंप। तो ये कितने की लगवाई? ये मैंने कम से कम की लगाई है 15,000 की। ये लाइट 15,000 का सेट? जी ओहो, 15,000 मतलब इस तरह नहीं, मतलब बम्पर वगैरह समेत। अच्छा अच्छा, पूरा बम्पर भी है, ठीक है। मतलब लाइटें अकेली कितने की पड़ी होंगी? लाइटें कम से कम पड़ गई थी मुझे ये 7,000 6,000 तक पड़ गई थी। इतनी अच्छा कॉस्टली नहीं, मन वो दूसरी वाली लाइटें हैं अंदर, आपको मैं दिखाता हूँ। सही सही सही। और ये आपने जो नंबर प्लेट बनवाई है, ये कहाँ से करवाई? ये बस गाड़ी का नाम रखा है इसको, ये जापानी में सुजुकी लिखवाया हुआ है, ये गाड़ी का मॉडल है। कितने की बनवाई है, कहाँ से बनवाई है? ये जीटन से बनवाई है, 600 की। 600 की बनवाई जी। बाकी ये इंस्टाग्राम है, इसको फॉलो करें यार। अच्छा जी। और पीछे आ जाएँ, बैक शॉट्स पे आ जाएँ, बैक शॉट्स दिखाएँ। क्या बात है, क्या बात। सबसे पहले जो आई कैचिंग चीज है इसका, जो आपने एग्जॉस्ट लगवाया हुआ है, ये बताएं ये क्या, ये क्या चक्कर है इसका? एग्जॉस्ट तो नहीं लगा हुआ, ओरिजिनल अपनी गाड़ी अपने उस पर, मतलब जो भी साउंड होता है इसका, ये टिप आती है असल, ये जो इसके अंदर लगा हुआ यही असल है। ऊपर मैंने टिप लगाई हुई है एज आ वो शो पीस, लेकिन फिर भी पुलिस वाले समझते हैं कि ये वो लगा हुआ है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है एच के एस वगैरह, क्योंकि इसकी वो लिखी हुई है, ब्रांडिंग हुई हुई है, तो लोग पुलिस वाले समझते हैं कि वो एग्जॉस्ट वगैरह लगा हुआ है। चलान होते होते बचता है, साउंड कहते हैं साउंड टेस्ट वगैरह करवाएं। अच्छा, तो तो ये बस शो पीस है, ये आवाज एनहांस नहीं करता। मैं आपको आवाज भी दिखाऊंगा बाद में। सही हो। ये कितने का लगवाया आपने? ये मैंने कम से कम लगवाया 400 रुपए का, 400 रुपए का टिप है। सही सही। और ये आपने नंबर प्लेट भी कितने की बनवाई है? ये नंबर प्लेट मैंने 1,000 रुपए की बनवाई है, फैंसी प्लेट है ये। अच्छा अच्छा, दोनों डिवोटेड, ये क्या लगा है? ये डिवोटेड का मतलब है लव और नहीं वो तो ठीक है, ये कितने का लगा है? ये भी 1,000 रुपए की है। और ये बैक लाइट्स, ये भी चेंज है? बैक लाइट मैंने कन्वर्ट करवाई हुई है जीटीआई में। अच्छा, ये कितने की हुई है? ये जापानी गाड़ी की लाइट्स हैं, ये हुई है 6,000 की दोनों। दोनों जी सही है। इंजन दिखाए जरा, इंजन सुना फरारी वाला आपने इंजन रखा हुआ है? नहीं नहीं, शौक तो फरारी का है, लेकिन क्या बात, क्या कह सकते हैं, गरीब लोग हैं, ये शौक पूरा करते हैं। बाकी मैंने हाजी से इंस्पायर होके मैंने बनाया था इंजन, तो उसकी हबशी ब्लैक में वो था, क्या नाम है, रेड चेरी रेड था, इस तरह कुछ था, वो थोड़ा ग्लॉस के साथ था। बाकी मैं सोच रहा अभी एयर इनटेक लगाने का, लेकिन अभी इसका फिल्टर अभी लगा हुआ है, और बाकी यही है अभी इसकी तक वायरिंग करनी है, लेकिन फैमिली यूज़ में, तो आई दिन कोई भी मसला निकल आया। इसी ट्यूनिंग श्यूनिंग करवाई है कोई? ट्यूनिंग अभी करवाई थी रिसेंटली कुछ। कितना हॉर्स पावर? हॉर्स पावर नहीं, उसका ट्यूनिंग नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, नॉर्मल ट्यूनिंग, सफाई कराई है, तेल से वो हॉर्स पावर वगैरह नहीं करवाया। आपने इंजन प्लेट लगाई हुई है ऊपर, ये क्या चक्कर, ये कहाँ से आपने कस्टम मेड करवाई है, क्या करवाया इसका? ये जी जी ये कस्टम है, ये मैंने पावर कोटिंग करवाई हुई है क्या रेड कलर में। ये कितने की हुई है? आता है जी, कितने की हुई है? ये 3,000 की करवाई है। 3,000 की? सही सही। कस्टम इंजन ओवरऑल करवाया था, तो उस वक्त ये पूरा इंजन खुला हुआ था, तो ये मैंने फिर I9 में है पावर कोटिंग के नाम से, लोग बहुत बैठे हैं, 3-4 दुकानें हैं उनकी, तो उधर से मैंने करवाया था, ताकि वो एक ही दफ़ा में इंजन भी खुला हुआ था, बार बार इंजन तो खुलने से नहीं रहा, तो उस दफ़ा खुला हुआ था, ये 2 साल पुरानी बात है, तो फिर मैंने वो दे दिया था, एक दिन लगा था, तो अगर अच्छा खासा टेम्परेचर होता 200 डिग्री का, तो बस उन्होंने फिर एक दिन में करके दे दिया था। इसका ज़रा साउंड टेस्ट कराया ना, ज़रा साउंड टेस्ट देखते हैं क्या आपने
सिस्टम लगाया है, सिस्टम भी ग्रैंडी की चाबी है, इसमें कल्टर का अल्ट्रेशन की हुई है। तो अभी बस स्टार्ट करके दिखाते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अभी मैं आपको रेंज दिखाता हूँ, रोज देखिएगा, जेन्युइन आवाज है, ज्यादा मसला नहीं है। बाकी आपको इंटीरियर दिखाते हैं, इंटीरियर है। ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें असल में सीट इस तरह की जेन्युइन आती है, जिस तरह ये दो कार्स का है ये है, लेकिन हमने आई थिंक बच्चे बैठते हैं फैमिली यूज में, आपको बता रहा हूँ मैं। ये तो आपने गियर हेड कितने का लगवाया है ऊपर? ये गियर नॉब होता है। हाँ हाँ, ये गियर नॉब मैंने, ये मैंने 2300 का खरीदा था। और स्क्रीन, स्क्रीन ये 16000 के पीछे, रेयर 16000 की रेयर कैमरा था, रेयर कैमरा भी है, ये छोटा सा पीडा सा कैमरा है। सही 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 सही, कैमरा शैमरा सही काम करता है, कैमरा वगैरह सही काम करता है। ओवरऑल कितना मॉडिफिकेशन में कितना आपका खर्चा आ गया? ओवरऑल बताना तो नहीं चाहिए, नज़र लग जाती है वैसे, लेकिन कम से कम 30,000 3-4 लाख तीन चार लाख ओवरऑल। ये जी गाड़ी का आपने कोई निकनेम रखा हो कुछ? गाड़ी का निकनेम मैंने सोचा था, दोस्तों से भी पूछा था कि क्या नाम रखूँ, कोई कह रहा सिल्वर राडो रख दो, कोई कह रहा मैग्नेटो रख दो, अजीब नाम बता रहे थे। फिर मैंने राफी MK4 रख दिया, MK4 नाम रखे, ये नाम की प्लेट भी मैंने वहाँ रखी है। मैं पहले मैं अपनी, तो आपने MK4 नाम रखा हुआ है गाड़ी का? ये गाड़ी का वैसे होता ही MK4 है, ये आई है MK4 है, लेकिन मैं पहले इधर लगाता था, लेकिन ये असल में गाड़ी जब मोड़नी होती थी तो नज़र पे आ, नज़र कम होता था। बाकी आप ये फॉग लाइट दिखाएं, मैं आपको अभी ऑन करके दिखाता हूँ। ये सबसे पहले पार्किंग ऑन हो गई है, ठीक हो गया। पार्किंग के बाद ये लाइटें हैं, ब्लू है, फिर रेडो है, फिर वाइट है, फिर ये ग्रीन होती है। तो बस अभी ओवरऑल तो फिर आप क्या मतलब और इसका एक्सटेंड कराएंगे कोई मॉडिफिकेशन? अभी फैमिली यूज से ख़त्म हो जाए। अभी मैंने रिसेंटली कैम्बर भी करवाया था गाड़ी, बैक से आप लोग देख सकते हैं कैम्बर भी हुई है, -4 कैम्बर है, यहाँ से आप दिखा सकते हैं पीछे से, तो नीचे रखे ना साइड से, थोड़ा सा कैम्बर है, ज़्यादा इतना पता नहीं चलता, तो बस अभी फैमिली यूज़ में रखा, अभी ज़्यादा कैमरा करेंगे टायर अंदर से खाता है। तो बस ये रिव्यू इधर ही ख़त्म करते हैं, आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।